भाई लोग, रिमेम्बर फोटोसिंथेसिस? अरे वो जो थर्ड क्लास में पढ़ा था, पेड़ एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और ऑक्सीजन बाहर फेंकते हैं. मस्ट बी रियली इंपॉर्टेंट, राइट, जो इतनी छोटी क्लास से हमको पढ़ा रहे हैं. बट लाइक एवरीथिंग इंपॉर्टेंट, वी डोंट गिव अ फक अबाउट इट. अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट के नाम पर जगह जगह पेड़ काटे जा रहे हैं. दिल्ली बेस्ड एनवायरमेंट ग्रुप Environment Impact Assessment Resource and Response Center के अकॉर्डिंग भारत सरकार ने 2014 से 2017 के बीच हर साल करीब 122 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर कुर्बान कर दिए. 3 साल तक हर दिन 60 फुटबॉल ग्राउंड के साइज के जंगल काटे जाएं, इतने जंगल काटे जा चुके हैं. अभी कुछ टाइम पहले मुंबई की आर्य कॉलोनी में मेट्रो शेड बनाने के लिए 3500 पेड़ काटने का ऑर्डर पास हुआ है. मेट्रो की पार्किंग करने के लिए शेड इन मुंबई लास्ट रिमेनिंग ग्रीन कवर. I'll give you a second to laugh at that. साथ ही आर्य कॉलोनी में मेट्रो स्टेशन भी आ रहा है. मेट्रो बनाना बहुत अच्छी बात है, मुंबई को उसकी बहुत जरूरत भी है. बट सीरियसली, जंगल के बीच में मेट्रो कौन बनाता है बे? और आर्य कॉलोनी में तो वैसे भी 10,000 के करीब लोग ही रहते हैं. There are 7 options of land available to the government जहां पर बिना पेड़ काटे मेट्रो शेड और मेट्रो स्टेशन बनाया जा सकता है. फिर भी आर्य क्यों चूज किया गया? दाल में कुछ जरूर काला है बस. वहीं अभी मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में भी एक बहुत स्मार्ट आइडिया चला हुआ है. कंक्रीट जंगल के बीच में एक इकलौता ग्रीन कवर है, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क. बहुत ही सुंदर जगह है भाई गॉड. इतनी अलग अलग प्रजातियों के बर्ड्स और एनिमल्स हैं वहां पर, कितने ही माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं. उसके बीचों बीच से NHAI एक बहुत ही शानदार 6-लेन एक्सप्रेस वे बनाने का प्लान कर रहा है. मतलब वाह भाई वाह. पिछले 10 सालों में गुड़गांव ग्राउंड वाटर टेबल हैज फॉलन बाय 82% और हर साल इसकी हालत बद से बदतर हो रही है. अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो कि 380 एकड़ में फैला हुआ एक जंगल है, इस ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है. लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट डजंट कंसिडर इट अ फॉरेस्ट. तो सरकार और NHAI ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक 2 किलोमीटर लंबी रोड जंगल के बीचों बीच में से निकालने का प्लान कर रही है. अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटीज, मेकिंग मोर रोड्स कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक कंजेशन एंड पोल्यूशन, इवन इफ इट मींस डिस्ट्रॉइंग द अर्बन फॉरेस्ट. बट एक्सपर्ट्स बिलीव दैट क्रिएटिंग न्यू रोड्स विल डू समथिंग कंप्लीटली ऑपोजिट. Supply creates its own demand. Therefore, solving congestion by building more roads actually does the opposite. It aggravates congestion. तो congestion तो solve नहीं होगा. In fact, ये बढ़ जाएगा. उसके साथ और क्या बढ़ेगा? Air pollution. खैर, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क का रोड प्रोजेक्ट इज लाइकली टू स्टार्ट इन फेब्रुअरी और मार्च नेक्स्ट ईयर. थैंकफुली हजारों की तादाद में लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं. बैंगलोर भी पीछे नहीं है वैसे. अर्लियर दिस ईयर अराउंड 25 ट्रीज वर चॉप्ड ऑफ बिकॉज अपेरेंटली कुछ आईफोन होर्डिंग्स की विजिबिलिटी कम हो रही थी. लास्ट ईयर आंध्रा की नई राजधानी अमरावती बनाने के लिए 2000 हेक्टेयर का नेचुरल फॉरेस्ट लैंड वॉज गिवन बाय द सेंटर फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड इन कॉम्पनसेशन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड पर पेड़ लगाने का ऑर्डर दिया गया. बट 100 साल पुराने पेड़ जो भर भर के ऑक्सीजन देते हैं, उनकी जगह छोटे छोटे पौधे लगाना. लेकिन गाइज, गुड न्यूज, डिस्पाइट ऑल द डिफॉरेस्टेशन, अपेरेंटली सरकार के अकॉर्डिंग इंडिया का फॉरेस्ट कवर एक्चुअल में बढ़ रहा है. एंड everyone is really proud of that. यूनियन मिनिस्टर ऑफ Environment, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डॉक्टर हर्षवर्धन पिछले 2 साल की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज करते हुए बोले दैट डिस्पाइट ट्रिमेंडस पॉपुलेशन एंड प्रेशर्स ऑफ लाइफ स्टॉक ऑन आर फॉरेस्ट, इंडिया हैज बीन एबल टू प्रिजर्व एंड एक्सपैंड इट्स फॉरेस्ट वेल्थ. बट इतने पेड़ काटने के बावजूद ऐसा कैसे कर लिए बे? मैं बताता हूँ. पहली बात तो द डेफिनेशन दैट द गवर्नमेंट यूज फॉर मेजरिंग आर फॉरेस्ट, उसमें ही बहुत बड़ी गड़बड़ी है. गवर्नमेंट के हिसाब से अगर 1 हेक्टेयर जमीन पर 10% या उससे ज्यादा पेड़ लगे हों तो वो फॉरेस्ट कहलाता है. मतलब इमेजिन अगर एक रग्बी ग्राउंड, जो कि एक फुटबॉल फील्ड से थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके 1/10 पार्ट में अगर पेड़ लग जाए तो वो एक फॉरेस्ट हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू दिस फ्लॉड डेफिनेशन, 2 साल के अंदर इंडिया फॉरेस्ट ग्रू बाय 6700 स्क्वायर किलोमीटर्स. दैट्स ऑलमोस्ट अबाउट द साइज ऑफ सिक्किम. ये 2 साल में हुआ नेट गेन है. मतलब कि 2 साल में कहीं पर जंगल कटे तो कहीं पर जंगल उग गए. और इस एडिशन सब्सट्रैक्शन से पता लगा कि इंडिया के जंगल एक्चुअली 2 साल में बढ़ गए हैं. 2 साल में जंगल काट तो सकते हो, लेकिन 2 साल में जंगल उगा कैसे सकते हैं? अ क्लोजर लुक एट द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एंड वी गेट द आंसर्स. इस रिपोर्ट के डेटा के हिसाब से 2015 और 17 के बीच 21,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया का जंगल खत्म कर दिया गया. दिल्ली और मुंबई के टोटल एरिया को मिलाएं तो उससे करीब 10 गुना ज्यादा बड़ा एरिया है ये. वहीं इसी दौरान करीब 24,000 स्क्वायर किलोमीटर खाली जमीन पर जंगल उग गए. लेकिन एक्सपर्ट्स की सुने तो ये जो नई ग्रोथ 2 साल में कैलकुलेट हुई है, उसमें नेचुरल फॉरेस्ट से ज्यादा प्लांटेशंस हैं. बेसिकली फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सैटेलाइट इमेज से फॉरेस्ट कवर का पता लगाता है. लेकिन इन सैटेलाइट इमेजेस में फॉरेस्ट के साथ साथ झाड़, जंगली घास फूस, कीकर, कमर्शियल क्रॉप्स जैसे पाम ट्रीज, कोकोनट ट्रीज, कॉफी प्लांटेशंस और गन्ने के पेड़ तक कैलकुलेट किए जाते हैं. लेकिन इसके पीछे भी एक स्मार्ट रीजन है.
प्लांटेशंस और फॉरेस्ट का डेटा अलग अलग ना करने से गवर्नमेंट गेट्स टू डाइवर्ट पब्लिक अटेंशन फ्रॉम द स्टेडी डिफॉरेस्टेशन एंड डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू इंडस्ट्रीज. माइनिंग, डिफेंस प्रोजेक्ट्स एंड हाइडल प्रोजेक्ट्स आर द मेन कल्प्रिट्स हियर. बॉक्साइट माइनिंग इन ओरिसा, कोल माइनिंग इन एमपी एंड माइनिंग इन मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री लेड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिजिनस ट्राइब्स, डिस्ट्रॉइंग देयर हेल्थ, लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर एंड लाइफ एज होल. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी आर फकिंग अप आवर फॉरेस्ट्स. And if most of us remember that photosynthesis diagram, then we are fucking up our future as well. Tell us what you think about this issue. And like, share, and comment below.